उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिंदू सुरक्षा सेना के मसैनी स्थित कार्यालय में कोविड के नियमों का पालन करते हुए ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया और हिंदू सुरक्षा सेना के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन सत्यनारायण चतुर्वेदी ने अपने पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र व आई कार्ड देकर सम्मानित किया। सम्मानित किए गए पदाधिकारियों से ये आग्रह किया कि कोविड का पालन करते हुए देश की सेवा करें, किसी हिंदू भाई के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव देश में नहीं होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी मंदिर हैं उन सभी की साफ सफाई कराना और हमारी गाय माता का भी विशेष ध्यान रखना है। किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को कहीं कोई गाय घायल अवस्था में दिखती है तो तुरंत आप पशु चिकित्सा अधिकारी को फोन कर जानकारी दें। इस कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष रविकांत तिवारी, प्रदेश महामंत्री प्रदीप कुमार दुबे, प्रदेश महासचिव आशीष कुमार मिश्रा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोर्चा मातृ शक्ति श्रीमती उमा गुप्ता, जिला कन्नौज एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष कुमार चतुर्वेदी, RSS के संचालक राधा मोहन तिवारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारी हिंदू सुरक्षा सेना का अखंड भारत की स्थापना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करना, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बनवाना, गरीब बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना करना और उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, पूरे भारत में भगवा फहराना और जितने भी हमारे हिंदू लोगों के मंदिर हैं उन मंदिर के बाद स्थापित मस्जिदों को हटवाना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इस हिंदू सुरक्षा सेना की स्थापना कब हुई? हिंदू सुरक्षा सेना की स्थापना 1999 में अमृतसर में हुई थी, जिसके आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सलील बिल्ला जी और राष्ट्रीय सचिव माननीय जयशंकर प्रसाद पांडे जी हैं, इनकी अध्यक्षता में सेना का संचालन हो रहा है। अध्यक्ष जी ये बताइएगा, 2022 में विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें आपकी सुरक्षा सेना क्या किसी को समर्थन देगी या ये समाज सेवी संस्था है? ये हमारी समाज सेवी संस्था है। हमारा चुनाव से वैसे हमारी पूरी हिंदू सेना है तो हिंदुत्व की पूरी भावना रखती है, तो जो भी हिंदुत्व की पार्टी हमारी है देश के अंदर हमारी सेना उसी को समर्थन करती है। अच्छा, अभी तक इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हमने 11 लोग प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और 24 जिलाध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष और 11 जिला मंत्री और इसके अलावा कुछ टीम तैयार की। टोटल अभी तक हमारे 81 लोग हिंदू सुरक्षा सेना में जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। मैं डॉक्टर विशेष वर्मा सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।